हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है कामरान मुगल और आप देख रहे हैं कई प्रोडक्शन। दोस्तों, आज सैमसंग गैलेक्सी J6 में एक न्यू अपडेट आई हुई है और वो है सिक्योरिटी अपडेट नवंबर की। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या है। मैंने आधी तो कर ली थी, अब देखते हैं। स्टार्ट डाउनलोड करते हैं। ये 93 हो चुकी है। तो इसमें क्या है, वही पुराना अक्टूबर वाला। इससे पहले ये अक्टूबर वाला पैच आया था, देख सकते हैं आप अपडेट में जाकर, सॉफ्टवेयर अपडेट में। और ये देखें, अक्टूबर का आया हुआ था, 1 अक्टूबर का। और उसके बाद अब ये आ रहा है अपना सॉफ्टवेयर अपडेट डेट नवंबर का। इसमें वही चीज़ है जो अक्टूबर में थी। ये न्यू कैमरा फंक्शन हैज़ बीन एडेड और सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर कुछ कुछ बग फिक्स किए गए हैं। तो बहुत सेम टू सेम, मतलब कि सारी चीज़ें नवंबर की अक्टूबर की दी हुई हैं। उसमें भी ये अपडेट हुई थी, इसमें भी अपडेट दी हुई थी। तो नया कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें बग फिक्स कर दिए गए हों, और हो सकता है ये थोड़ी सी इसमें स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट आ गई हो, और इसकी जो स्पीड है वो अच्छी आ गई हो। तो हो सकता है इसमें ऐसा कुछ हो। तो आइए इसमें इंस्टॉल करके मैं आप सबको बताऊँगा कि ये क्या इसमें मामला है। तो चलो देखते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूं और हमारा जो सॉफ्टवेयर है हो चुका है बहुत ज़्यादा कंप्लीट, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं सेटिंग में जाता हूं और आपको दिखा देता हूं, अबाउट में जाके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, और ये हो चुका है 1 नवंबर। तो उससे पहले जो हम, ये था उसका डिस्क्रिप्शन कि इन न्यू कैमरा फंक्शन हैज़ बिन एडिड ARMOGI और कुछ बग फिक्स किए गए हैं। ये 1 सितंबर का 451 MB का जो मेरी वीडियो पहले थी, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही सेम था और यह भी सेम ही है। तो डिसपॉइंटेड हुआ हूँ थोड़ा सा सैमसंग की जानब से कि उन्हें थोड़ा सा चेंज चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि आपका सिक्योरिटी पैच एक मिड रेंज में मोबाइल में अब आ रहा है, जैसे कि सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज़ में आता था, और इस बार मिड रेंज में भी आ रहा है हर महीने या 2 महीने के बाद। वो अच्छी बात है, उसमें बग फिक्स हो जाते हैं जब लैग करता है फ़ोन या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो फिक्स करनी हो तो वो फिक्स कर देता है सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या है, न्यू क्या OS है, सेम है। तो आने का मतलब ये है कि एक न्यू कैमरा इमोजी दे दी गई है, क्या पता उसमें इम्प्रूवमेंट लाई हो और बग फिक्स कर दी गई और थोड़ी स्पीड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड तेज़ है पिछली बार की तरफ से। कहते हैं जैसे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। मैं कुल अपनी जाता ही जाता हूँ तो होता है, तो ये अच्छी इम्प्रूवमेंट है। हम देखते हैं इसकी मेन्यू काफ़ी अच्छी है, मेन्यू भी तेज़ जा रही है। और इसके बाद मेन्यू के अलावा स्पीड भी बहुत अच्छी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट आई है, बग फिक्स किए गए हैं और दूसरी चीज़ आई है। तो इसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि S9 Plus और AS9 और Note 9 में जैसे बीटा वर्जन आ रहा है UI का, तो उस लिहाज से मैं आपको एक कन्फर्मली बता देता हूँ। डेट मैं कन्फर्म नहीं बता सकता, लेकिन उसमें फर्स्ट लिस्ट है S9 Plus, सेकंड लिस्ट है उसकी S8 और S8 Plus, और नोट में से फर्स्ट है Note 9 और सेकंड में है Note 8। और उसके बाद हमारे मिड रेंज में बात की जाए तो A सीरीज़ और उसके बाद J सीरीज़। तो तीसरी लिस्ट में जे सीरीज़ का मोबाइल है। तो तीसरी लिस्ट में अगर है तो इसका मतलब है कि हमें मार्च के महीने में J6 में Android Pie का अपडेट मिल जाएगा। तो और जो दूसरी फ्लैगशिप सीरीज़ है उसमें जनवरी और फरवरी में हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, और जो ए सीरीज़ है दूसरे मिड रेंज मोबाइल हैं वो तीसरे थोड़ा सा वेट करें, ये साल भी गुजर चुका है, 1 महीने हो चुका है, और उम्मीद है कि ऐसा
समथिंग अपना एक्सपीरियंस करेगा दूसरे मोबाइल में। तो खुशखबरी ये है कि इसके आपको दूसरे या पहले स्टेटमेंट ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का।